वेलकम बैक एवरीवन टू माय व्लॉग चैनल। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ दिल्ली से, मेरे होटल रूम से एंड पड़े हुए भाई बिस्तर के अंदर। एंड गाइस तुम लोग आई थिंक मेरे इस कपड़े को देख के पहचान सकते हो कि शायद से मैं कहीं तो किसी तो लाइक ऐसे धार्मिक स्थल से आ रहा हूँ। यस गाइस मैं दोबारा से वृंदावन गया था। अभी देखो आज तो 4th नवंबर है, लास्ट मंथ 5th अक्टूबर को मैं गया था वृंदावन मेरे बर्थडे के लिए। 6th अक्टूबर को मेरा बर्थडे था एंड इस साल मुझे लगा कि क्यों ना भाई, मैं पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से फीलिंग आई कि किसी एक पावन धरती पर जाके मेरे को अपना बर्थडे मनाना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं वृंदावन गया था। एंड इस महीने की शुरुआत में दोबारा से वृंदावन गया था एंड आई थिंक 2 दिनों के लिए गया था। आज गाइस हम लोगों की हुई थी गोवर्धन परिक्रमा वहां पे, जो कि लाइक आई थिंक 21 किलोमीटर की थी एंड पूरा 21 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई है भाई, अभी रात के 8 बज रहे गाइस और मैं लिटरली पिछले 2 घंटे से लेकर सोया हुआ था। मेरे पेरेंट्स दीदी वगैरह सारे दूसरे कमरे में एंड मेरी तबीयत पूरी तरह से खराब है फिलहाल को अभी भी, तो मेरी आंखों से बता सकते हो। एंड सबसे मस्त बात है गाइस, कल मुझे जाना है फॉरन, कल मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, लाइक मेरी जिंदगी की पहली फॉरेन ट्रिप। एंड उससे एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि कहीं गलती से भी मेरी ट्रिप कैंसिल ना हो जाए या फिर इसमें कोई बाधा ना आ जाए। देखते भाई कल ही पता चलेगा, अभी तो मेरा सर बहुत घूम रहा है, मैं फिलहाल को सो जाने वाला खिचड़ी खा के भाई। चलो गाइस मैं तुम लोगों से कल मिलता हूं यार डायरेक्ट। गाइस देखो मेरे को कौन दिखा यहाँ पे, मुर्गे और मुर्गे के छोटे छोटे बच्चे सिंगापुरी है। ऐसा दिक्कत हो गया यार, यहाँ पे हर जगह पे सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड है यार, वेज के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ फल फ्रूट दिख रहा है यार। मैं भूखा रह जाऊंगा यार। देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है ना, मैं मरना नहीं चाहिए यहाँ पे रह के, ठीक है आप मेरे को जिंदा रखने वाले हो ठीक है भाई। कुछ भी नहीं मिला, सामने दुकान है वहाँ जाके अपन एकदम वेज सैंडविच लेके आएंगे, ठीक है वो तो खा लेगा ना वेज सैंडविच। चलो भाई मेरे को आश्वासन मिल चुका है इनकी तरफ से, जिंदा रहूंगा मैं बिल्कुल भाई। फिलहाल को तुम यही खा सकता है। देखो भाई वेजिटेरियन के लिए बहुत ही कम ऑप्शन है सिंगापुर में, थोड़ा देख संभल के आना ठीक है भाई। ये हो गया, ये फ्रूट्स हो गए एंड आइसक्रीम होगी भाई, इससे कहाँ पेट भरता है फ्रूट से यार। तो आगे है बैंगन है क्या ये? बैंगन और गाजर। देखो लिखा तो यहाँ पे एक प्लांट ही है बट लग कुछ और रहा है यार, शक हो रहा है मेरे को भाई इस पे। नहीं मैं मोमोज, ये पता नहीं क्या अंदर क्या है, वेजिटेबल भाव। एक सेकंड लग तो मोमोज है यार, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली सुंदर सा मोमोज इंडिया का, बेक्ड बीन्स, पर परे को क्या है मशरूम। कैसे मजाक नहीं कर रहा, इतना बुरा हाल जिंदगी में आज तक नहीं हुआ यार। सुबह से लेकर हम लोग ऑलमोस्ट 7-8 घंटे हो गए, हमको रूम नहीं मिला अभी तक यार। एंड क्योंकि यार बेसिकली होटल के सारे रूम्स बुकड है एंड हमारी जो बुकिंग है 6 तारीख की हो रखी है एंड 6 तारीख को हम लोग पहुँच गए, तो 2 बजे से पहले चेक इन हो नहीं सकता है। एंड हम लोग सुबह के आई थिंक 6 बजे पहुँच चुके हैं होटल के रूम के बाहर, लाइक लॉबी में बैठे हुए सुबह के 6 बजे से लेकर, एंड अभी तक भाई बुरे हाल हो चुके हैं। मैं तो लिटरली लॉबी में सोया हुआ था, तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं मैं और भाई, थोड़ा घूम रहे हैं सिटी को एक्सप्लोर करें क्योंकि अभी भी बोला है 1/2 घंटा और लगेगा, तो भाई हमसे बैठा नहीं जा रहा है। गाइस ये वो होटल है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। ब्रो तुम लोग इसकी बिल्डिंग देख रहे हो, ये झाड़ या तो उगा हुआ है अपने आप ही या तो इन लोगों ने उगा के किया भाई, आई हैव नो आइडिया। बड़े बहुत ऑसम जगह है यार, मेरे को सिंगापुर में ज़ू मिल गया। और भाई क्या हालचाल, बढ़िया। तो हम लोग एक मॉल के अंदर आ गए यहाँ पे ना, एंड लेट मी जस्ट शो यू गाइस समथिंग। नीचे देखो लिटरली मॉल के अंदर पानी के अंदर बोटिंग हो रही है, वहाँ पे देखो भाई मेरा बहुत मन कर रहा है सब करने का लेकिन अभी हिम्मत नहीं बची है। आई थिंक शाम को हम लोग दोबारा से जरूर आएंगे, वो लड़की मेरे को शूट करे मैं उसको शूट कर रहा हूँ। वहाँ घूमते फिरते हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, पैन पैसिफिक होटल, जहाँ पर देहरादून की शूटिंग हुई थी यार, पानी गिरा था उसके अंदर पूरा का पूरा। एंड फिलहाल को नो आइडिया हम लोग कहाँ पे आ गए, हमें लगा कि हम लोग एग्जिट से आए थे कहीं कैब को पकड़ लेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पर एग्जिट नहीं है एक्चुअली, ये अलग ही जगह है इस मॉल की भाई, इतना अजीब सा इतना बड़ा सा मॉल है, खाने का जगह ही नहीं है भाई हमारे लिए। लिटरली वहाँ पे कितने 200-300 लोग खा रहे थे बट हमारे खाने लायक कुछ नहीं था वहाँ पे, तो झींगा झींगा खा रहे थे, हम नहीं खा सकते भाई। उनकी थाली हमें ऐसी चीज दिखी कि हम लोग भाग गए वहाँ से, रहने दो भाई। चार मतलब चावल थे, चावल के साथ एक और चावल जैसी चीज। सही बात है। फाइनली अपने होटल रूम में पहुंच चुका है, तुम लोग यकीन नहीं करोगे अभी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1:45 हो चुका है दिन का। मैं सुबह 6 बजे लैंड कर चुका हूँ होटल के बाहर, मतलब लैंड तो हम लोग लाइक ऑलमोस्ट 4 बजे कर गए थे, 6 बजे 2 घंटे लगे एयरपोर्ट से आते थे, फिर उसके बाद अब जाके मुझे रूम मिला है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सब पढ़ जाऊँ और सो जाऊँ यार, सीरियसली भाई इतना वेट आज तक जिंदगी में नहीं किया मैंने यार। हाँ
बेसिकली रिसेप्शन ने मुझे बोल रहे थे इससे पहले ऑलमोस्ट एक घंटे पहले बोला कि आपके रूम की सफाई वगैरह हो रही है, तो भाई मैं इतना थक गया था, मैंने उनको बोला कि भाई सफाई भाड़ में जाए, मुझे बस बेड दे दो, मैं सोना है यार, इतनी थकान हो चुकी है। बट कोई नहीं यार, अभी तो भाई हालत बिल्कुल भी नहीं है। आज बेसिकली आज का दिन हमारा पूरा फ्री डे था, टाइम पे पहुंच गया था अभी तक। आई थिंक मेरा प्लान था कि 2 बजे तक सोए रहेंगे, फिर उठ के बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए, बट भाई अभी फिलहाल को ताकत बिल्कुल नहीं बची, अब तो मैं सोया रहूंगा आई थिंक 7-8 बजे तक रात के, एंड लेट्स से उसके बाद अगर हम लोग का बाहर जाने का प्लान बनता है तो यार मिलता है भाई थोड़ी देर में, सोना है यार, बाय। तो गाइस यार अभी हम लोग बाहर आ गए हैं भाई, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ अभी, मैंने दवाई खाई से पहले, बाय द वे मेरे को ना बुखार हो गया थोड़ा, नहीं भाई लिटरली इससे पहले घर पे। आपको आपके कितने बजे रूम मिला? 10:30 11 मिला मेरे को, पता कितने मिला? 2 बजे मैं सोया हुआ था, 2 बजे तक सोया हुआ था बाहर में। पर चल तू एटलीस्ट लेट आया, मैं 4 बजे से बैठा हूं। तो आपका थोड़ा मेरा बैलेंस हो गया के हिसाब से बराबर हो गया, दोनों इक्वल रुके हम लोग 3 घंटे का। तो गाइस अभी हम लोग बाहर आए यार, भूख लग रही है, एंड अभी हम लोगों को पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट पे ले रहे हैं, तो आप ठीक बोल रहे थे यार दिक्कत होने वाली मेरे को खाने के लिए, क्योंकि आपका तो खा लोगे नॉन वेज वगैरह और मैं फंस गया भाई। देख अगर मोस्टली तो मिल जाएगा रेस्टोरेंट में, क्योंकि आई थिंक लोग इंडिया में प्लान कर रहे हैं, और अगर नहीं भी मिला तो टेंशन मत ले, इधर 7-Eleven वगैरह है, अपन जाएंगे तेरे लिए मस्त वहाँ से चीज सैंडविच लेने। अरे भाई मजा आएगा फिर तो यार, सही है मेरे को भूख लग रही है एक्चुअली यार, चलना अभी कब तक खाएंगे? चलो फटाफट निकलते हैं कहीं तो कुछ खाते हैं, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ जरा क्या क्या आज बना हुआ डिनर में यहाँ पे। ये तो खाने पीने का हो गया अपना यार, मेरे को एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई खाने की, अपने को वहाँ पे मिल गया था इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैंने क्या खाया गोभी वगैरह, आहा भाई मज़ा आ गया यार, मतलब देसी खाने की जो बात है ना वो और किसी चीज़ की नहीं। उसके बाद में और रोनी भाई निकले हैं ज़रा रात को भ्रमण करने के लिए, और भाई लिटरली 10:30 बजे कोई नहीं दिख रहा है रास्ते में, सब खाली है यहाँ पे, और से 10 सेकंड में रोड क्रॉस करना तो भागना पड़ेगा यार। भागो 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 भागो। पर हम जा रहे हैं यार, कुछ आइडिया आपको है ना? रैंडम अभी वहाँ चलते, चलो थोड़ा ध्यान से कोई गाड़ी ठोक ना दे भाई, मुझे नहीं पता है सिंगापुर को क्लेम कैसे करते हैं, अभी वो ठोक देगा हमको तो कुछ नहीं यार, काय को मारा मेरे को दिखता नहीं का तेरे को दिल्ली से देख के चलाओ तुम भाई दिखता नहीं है क्या तेरे को, ऐसा दिखता नहीं। दो चार गाली वाली मार दिया, समझ में नहीं आएगा उनको है ना, गाली ही मार देगा तो किसको क्या पता चलेगा। रुक फोन लगाता हूँ भाई, अभी चलते चलते हम लोग एक कन्वीनियंट स्टोर में आए भाई, कुछ खाने पीने का सामान लेने, इतनी गर्मी है यहाँ पे यार, बताओ क्या लोगे आप, व्हाट विल यू प्रेफर भाई? मेरे को ये देख के मजा आ रहा है इधर है ना, मेरे को थोड़ा जापान वाला फील आ रहा है। यो ये क्या है, ब्लास्टर टाइप गन? नर्फ गन है, नर्फ गन है भाई ये तो। ये क्या है भाई, कमर में दर्द है तो? आपके दर्द तो नहीं हो रही जापान में चल चल के? पैर में दर्द हो रही, कमर में नहीं। ओ माय गॉड भाई, कितनी अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स है जिंदगी में पहली बार देखी है मैंने यार। भाई मेरे को सब कुछ पीने का मन कर रहा है, सब कुछ पीने का मन कर रहा मेरे को भाई, सही में कर सकते हैं, इसकी सेपरेट वीडियो बन सकती है। ओ माय साहब, कुछ पीने के लिए है ना, तो जापान की यहां भी मिल रही है चीज। ये तो मैं स्पेसिफिकली एसजे को भेजने वाला भाई, उसने जापान से ऑर्डर किए थे स्पेशली लिटरली, और हमको यहाँ पर मिल गया है, देखो लेट्स गो। ओ माय गॉड गाइस, लेस का एक बहुत ही ब्रांड न्यू पिंक कलर का फ्लेवर भाई, आई डोंट थिंक सो कि मैंने इसको टेस्ट किया जिंदगी में आज तक, लेस का पिंक फ्लेवर, इसका नाम है स्पाइसी फ्लेवर टेस्ट ऑफ कोरिया, आई थिंक इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाले, मैं नहीं खा पाऊंगा इसको, आई थिंक मैं इसको अपनी दीदी के लिए लेने वाला यार, ये मैं पक्का लेने वाला उसके लिए, उसको टेस्ट टेस्ट कराऊंगा भाई। मेरी फेवरेट चीज टी, दारू नहीं यार टी, आइस टी है भाई ये। अरे नहीं नहीं भाई आइस टी, मैं इसको ले रहा हूँ एक एक, मैं वो लेने वाला हूँ भाई, चाय मेरे को जहाँ दिखते हैं ना मैं नहीं छोड़ता भाई, मैं नहीं छोड़ता भाई। हाँ एक बाल्टी ला दो आप यार भाई, क्या फ्लेवर्ड है भाई, अलग अलग न्यूट्री ग्रेड, आई थिंक सारी न्यूट्री ग्रेड वाली है, ये वाली मैं लेने वाला भाई। एक और चीज़ दिखी भाई मेरे को, पता नहीं कुछ अलग सी यार, जेली ड्रिंक, आई एम गोना टेक दिस एज वेल, ये भी कुछ बढ़िया लग रहा है, इसको भी ले आते हैं। रेड, ओए भाई यहाँ पे बड़ा अलग सा रेड बुल है यार, नहीं ये नहीं लूंगा, बहुत एक्साइटमेंट है मेरे को भाई, यहाँ का तो दूध देख के मेरे को पीने का मन कर रहा है लिटरली यार, घर में कभी नहीं पीता हूँ मैं। अरे भाई क्या है, कौन भी मिलती है भाई सिंपल खुली खुली कौन, पहली बार देखा मैंने भाई भुट्टा यार इस तरीके से पैक पैक हुआ हुआ, नाइस मैन। ये क्या है, दही, मैंगो दही, ऊपर तो ये दिया थोड़ा सा तो इसको वेज है ना पक्का भाई, दही है दही के ऊपर, ये कहते क्या है, ये बेसिकली ग्रैनोला है, कॉर्नफ्लेक्स जैसी चीज है ये, मैं पूछूंगा इनसे बारे में, कोई यकीन नहीं हो रहा है भाई, दही में कब से मिलने लग गया कुछ चीजें भाई, नॉन वेज दही होती होगी क्या बता, नॉन वेज दही कैसे बनती है यो, इन्हीं को पता होगा यार। आइस टी के साथ साथ मेरे को यहाँ पे मिल्क टी मिली है गाइस, अब इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ है ना भाई साहब, मेरा पेट खराब हो जाने वाला है दोबारा से। ये कौन सी फ्लेवर है, टाइगर स्किन? यस
पोकी, हम लोग पोकी खाएंगे आज होटल रूम जाके, चॉकलेट फ्लेवर एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। फाइनली गाइस समय आ चुका है इसके अंदर जाने का, आई एम सो एक्साइटेड यार। बहुत सारे लोग हमारे साथ जिनको डर लग रहा है, एक्चुअली उनमें से मैं भी एक हूं जिनको डर लग रहा है, बट मैंने शो नहीं किया अभी तक यार ये चीज। सो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड मैन। पर जायंट व्हील पे जाने से पहले अपने को यहां पे टाइम कैप्सूल लेकर आ रहा है, देखते हैं भाई क्या सिस्टम है टाइम। वो भाई दरवाजा मुंह पे बंद हो गया था यार मेरे। यो हेलो 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 ब्रो, ऐसा लग रहा है मैं स्टार वॉर्स की मूवी के अंदर आ गया यार, सीरियसली। ओ भाई साहब, यहाँ पे कुछ तो हमको दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे यार ये स्क्रीन से स्क्रीन दिख रहा है। अरे पर यार कोई गेम गुम खिला दे तो अलग बात है, बढ़िया मजा आ जाएगा। और भाई मेरे को लगा असली वाली मछली है यार पैर के नीचे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं ब्रो, ये स्क्रीन है यार तेरी ऐसी की तैसी। होली शिट डूड, ये बहुत अच्छा है यार, सीरियसली बता रहा हूँ। एंड खत्म इतना जल्दी, लेट्स गो, एवरीथिंग इज डन। दो मिनट में खत्म हो गया यार ये तो, मैं सच बता रहा हूँ कुछ समझ नहीं आया अंदर हुआ क्या यार। अरे हाँ क्या अंदर ये कुछ नहीं, अंदर वो था बस कि कैसे सिंगापुर बन गया, क्या हो गया हमें इतना ही था। चलो हमने सब पढ़ लिया हमने, सब पता लग गया सिंगापुर का क्या सीन था, हो गया भाई। अरे बाहर से आया दोबारा अंदर ला दिया यार, खत्म नहीं हुआ था क्या? इतनी सिंगापुर की हिस्ट्री जान के क्या करेंगे हम लोग। ये सही जगह है भाई, ये अच्छा लग रहा है एक्चुअली में। ब्रो अलग सा डायमेंशन लग रहा है यार ये तो, ये असली जगह है भाई। भाई मैं लिटरली बोल रहा हूँ यहाँ पे चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है भाई मैं एक्चुअली गिर जाऊँगा अभी, थोड़ा सा मेरा ध्यान भटका ना मैं शीशे में टकरा जाऊँगा ऐसे करके पट मार के। यहाँ पे चश्मा उतार दो भाई, इतनी इतने इतने अंधेरे में चश्मा लगा के कौन घूमता है। ढाब लिया, उठा दिया, नाइस। धूम फाइव, भाई प्लानिंग उठाने की, धूम फाइव बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, हीरो होने वाला है, शक्ल देख के रख दो भाई साहब। मुझे SDO मिल गया दोबारा से यार, देख रहे हो तुम लोग यार, SDO बड़ा फेमस है यार सिंगापुर में, छाया हुआ बंदा यार यहाँ पे। ओ ये लेट्स गो, SDO को हमने हटा दिया यहाँ से और मैं और रोनी भाई आ गए भाई। ये जच रही है भाई, ये जच रही है यहाँ पे है ना। अब इस वॉल की जो शोभा है ना बढ़ चुकी है एक्चुअली में, है ना। अब देखो यार दो हैंड से बंदे आएंगे तो शोभा नहीं बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगी। भैया हमारी आखिरी फोटो ले रहे हैं, हो सकता है कि ऊपर से हम लोग बचे ना उसके लिए आखिरी बार हमारी फैमिली को भिजवा देंगे ये फोटो, हमारी आखिरी फैमिली को जाएगी। और क्यों आखिरी बोल रहा हूँ, क्योंकि जायंट व्हील पे हम लोग जाने वाले हैं भाई, इनको इनको भी लग रहा है कि अगर घुस घुस आ गए तो भाई इनकी फैमिली को भेजने वाली फोटो है, खुश रहेंगे वो लोग भी यार। हमारा बच्चा आखिरी बार कैसा दिखता था, बट भगवान से दुआ कर रहा है सब कुछ हो ना। धक 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 धक, दिल की धड़कनें तेज हो रही है भाई जैसे जैसे हम लोग इसके नजदीक जा रहे हैं। मेरे को लेजिट डर लग रहा है यार, हाइट का फोबिया तो मेरे को है यार। अब इन्होंने बोला तो है कि भाई ज़रा फास्ट नहीं चलता है, ये स्लो स्लो चलता है, बट अगर थोड़ा भी फास्ट चला चलो देख लेंगे भाई जो भी होगा। यो भाई साहब, अबे दूर से बहुत छोटा सा लग रहा था यार, यहाँ पे बहुत बड़ा है एक्चुअली यार, बहुत कम से कम 50 बंदे आराम से रहेंगे इसके अंदर, दूर से लग रहा था कि 5 लोग आएंगे सिर्फ। और भाई इसके अंदर तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है पूरा का पूरा, आई थिंक ये हमारा फ्लायर वाला रेस्टोरेंट है भाई, सीरियसली यार काफी स्लो है भाई ये। अब डर नहीं लग रहा मेरे को बिल्कुल भी नहीं भाई, इससे पहले मेरे को डर लग रहा था यार, मेरे को स्पीड में जाना है भाई, स्पीड में जाना है। नहीं नहीं नहीं, मतलब आप नहीं भाई, इसके अंदर जाना, ये मेरे को ऊपर से नीचे फेंक देंगे भाई। चलो 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 भाई, गिर गया था मैं ऑलरेडी। ओह ये बाहर इतनी गर्मी, अंदर एकदम बढ़िया यार। ए रोनी भाई सबको बुली कर रहे हैं यहाँ पे हैं, आप बुली क्यों कर रहे हो सबको भाई, सब एक साथ ब्लॉगिंग करो मजा आएगा यार, ताकि समझ किसी को कुछ ना है। ये बहुत स्लो चल रहा है यार एक्चुअली भाई, देख मैं गेम गोल गोल घूम जाए भाई, फटी तो आपकी भी है यार, फ्लायर के नजारे नहीं देख रहे हो बाहर के, है ना, बाहर का व्यू दिखना चाहिए। सारे बंदे ने गेम स्टार्ट कर दिया, देखो भाई हम तो डरते नहीं है, हम पहाड़ों में रहते हैं। शिमला, अब पहाड़ों में रहते हैं, डर नहीं लगता यार, ऊंचाई है तो क्या है भाई, थोड़ा आगे नहीं जाऊंगा बस, वो अलग बात है। यो भाई यहाँ से व्यू दिख रहा है, मेरे को इसका टॉप पे जाना है एक बारी, वहाँ से देखेंगे यार। गाइस अभी तक हम लोग ने टॉप पे पहुँचे भी नहीं है, ऑलरेडी इसकी हाइट इतनी बढ़ गई है। कैमरा भाई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सच्चे बता रहा हूँ यार, बहुत हाइट, देखो नीचे लोग देखोगे तो पिद्दे पुद्दे से दिख रहे हैं।
गाइज एक बार यहाँ पे सुनामी आ गई थी ना, तो यहाँ से एक शिप उड़ के ना उस बिल्डिंग के ऊपर गिरी गलती से यार, देखो ना अटकी हुई है तब से लेकर यार। भाई मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, मुझे मना कर रहे यार, क्यों भाई? भाई गिरे सब गिरेंगे साथ में, तू इधर यार ये गिरेगा कैसे ये जगह? भाई चले का जगह दिया साले, आदमी मेरे को यहाँ बैठना टॉप में आ चुके थे, सबसे टॉप वाला ही है ठीक है ना, इसके बैक साइड से तुम लोग देख सकते हो, यहाँ से दिख रहा पूरे के पूरे सिंगापुर का व्यू। सबसे टॉप पे आ चुके हैं इस वक्त हम लोग, एंड स्टिल डर नहीं लग रहा हम लोगों को, देखो नीचे भाई, ओह माय गॉड, हम लोग अभी ऑलमोस्ट 150-200 मीटर्स ऊपर है भाई, यहाँ से गिरे तो बचने का कोई चांस नहीं, बट लुक एट द व्यू यार, इट इज कम्प्लीटली वर्थ इट मैन। ये रॉनी भाई गोटिया है करा, जल्दी हो गोटिया गोटिया, ऊपर ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, जल्दी हो, हाय कर रहे हैं वहां से यार, बेशरम साले वहां से गया, बुलाओ उसको इधर आ जा भाई, अरे वहां देखो गोटिया भाई हाय कर रहा है वहां से, शिप के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ Finally boys and girls, we are off this thing. मजा आया यार इसके अंदर बहुत ज्यादा जाके यार, ठीक एक्सपीरियंस था ओवरऑल, पूरी की पूरी दुबई सिटी देखी अपने को यार, अच्छा लगा बहुत यार अंदर, एंड अब हमको ये भगा रहे यार, मैं उल्टी साइड को जा रहा था, मेरे को बोलते चल भाई इधर को चल, यार गर्मी इतनी हो रही है कि तैरने का मन कर रहा है, अलाउड होगा? पानी भी गर्म होगा सारे, बात सही बोली यार, गर्म पानी में तो नहीं, अभी तो ठंडे पानी में नहाने का मन कर रहा है यार, पानी बहुत गर्म हो गया वाला, नहीं तो मैं तो कूद जाता भाई, देख लो इन्होंने रोक दिया मेरे को रोनी भाई, अच्छा, नहीं नहीं रोक दिया एक बार यार, अरे एक बार रोक दिया, अरे एक बार रोक दिया यार, जितने भी सामान मैंने खरीदा है ना, कुछ कुछ चीजों की मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लाइक मुझे अभी और इसी वक्त ट्राई करनी भाई, जैसे की ये जो मैं आइस टी लेकर आया था, तुम लोगों को पता तुम्हारा भाई यहाँ पर बहुत ही तगड़े वाला क्या बोलते हैं टी लवर है, तो आइस टी एंड मिल्क टी, लाइक लिटरली भाई जो दूध से बनी हुई चाय है ये लोग यहाँ पर ऐसे प्लास्टिक के क्या बोलेंगे इसको बोतल में बेचते हैं यार, इसको मेरे को एक बार टेस्ट करना था, इसका मेरे को एक बार रिव्यू करना था, एक बार ट्राई करते यार एक बारी, आ हा 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 खुल चुका है भाई, सच बताओ मेरे को खुशबू आई नहीं रही है भाई, मेरा नाक बंद हो चुका है यार, मैं तुम लोगों को बताया था आई थिंक मेरे दूसरे व्लॉग के अंदर, भाई यहाँ पर इतनी गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है पर मुझे कोल्ड हो गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों हुआ, बस को मैं टेस्ट टेस्ट करने वाला हूँ, आई मीन चाय जैसा टेस्ट तो आ नहीं रहा इसका भाई, एक सेकंड रुको यार, भाई यार देखो चाय हमारे देश की ओरिजिनल चीज है ठीक है ना भाई, हमारे देश ने चाय बनाई है, तो बाहर जो भी लोग चाय बना रहे हैं भाई वो ओरिजिनल नहीं है भाई, ये इसको टेस्ट करके मतलब चाय वाली फीलिंग तो नहीं आ रही यार, आई मीन हल्की हल्की आ रही है, बट इट्स लाइक तुम लोग ये बोल सकते हो कि लाइक 30% जो हमारी चाय होती है ना उसका 30% टेस्ट चाय का आ रहा है, 70% कोई अलग सा ऐसा लग रहा है क्योंकि फ्लेवर ऐड किया हुआ चाय वाला फ्लेवर, ठीक है भाई अब ये है हमारी आइस टी, बाकी तो पता नहीं क्या लिखा पर यहाँ पे आइस टी लिखा हुआ है, ठीक है थोड़ा शेक करते हैं इसको पी कर देखते हैं एक बार जरा भाई साहब, ये तो जूस है यार भाई साहब, एप्पल जूस लग रहा है भाई ये, हाँ क्लियरली एप्पल चाय के नाम पे मेरे को एप्पल जूस पकड़ा दिया इन्होंने यार, मैं कैसे पीऊंगा इन दोनों का यार, आई थिंक मेरे को इसको इंडिया पे लेके जाना पड़ेगा, दीदी से टेस्ट टेस्ट कराऊंगा इनका मैं, जो ये चीज़ है भाई मैं इसको बिल्कुल भी अभी खोलने वाला नहीं, ये मैं अपनी दीदी के लिए ही लेने वाला हूँ कुछ भी हो जाए, इसके अलावा एक ही वाली टॉफी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, मैं इसका टेस्ट टेस्ट करने वाला हूँ, लेट्स गो, इस टाइप की जो टॉफी इंडिया में मिलती है ना वो बहुत टेस्टी होती है ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम लोगों को, बट जरा इसका मैं टेस्ट टेस्ट कर, यू मेरा नाक बंद है तब भी इसकी स्मेल आ गई मेरे को यार, छी भाई ए भाई ये बहुत गंदी है, ये बहुत गंदी है भाई, ऐसा लग रहा कि मैं 10-12 हाजमोला की एक टॉफी बना के खा रहा हूँ यार भाई, लिटरली हाजमोला जैसा टेस्ट है यार,
मैं थॉट कि थोड़ा मीठा मीठा हो गए भाई, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाने वाला, दीदी को खिलाऊंगा इसके मैं। चलो ठीक है, जितने भी सारी बेकार चीज़ें वो सब मैं उसके लिए लेके जाने वाला हूँ, कैसा लग रहा है। और क्या है भाई, ओ अब तो मेरे पास इसके अलावा दो ही चीज़ें बची है यार, ये है हमारी योगर्ट यानी कि दही, और ये भी है हमारी योगर्ट यानी कि दही। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। चलो इसको तो मैं अलग से खा ही लूंगा यार।